दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एलएनजी सप्लाई के लिए भारत ने एक लॉन्ग टर्म डील कई सारी कंट्रीज के साथ साइन की है, जिसके जरिए भारत अब अपने एलएनजी के सप्लाई को डाइवर्स कर रहा है। और ऐसा भारत को इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो एक लॉन्ग टर्म डील उन्होंने रशिया की गैजप्रोम कंपनी के साथ एलएनजी के सप्लाई के लिए साइन की थी, उस डील को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के तुरंत बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया। गैजप्रोम की इसी हरकत की वजह से भारत को अपने इतिहास का सबसे महंगा तेल ट्रिपल प्राइस पर खरीदना पड़ा था, और वो भी उस वक्त जब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल की कीमतें अपनी चरम पर थी। जिस वक्त गैजप्रोम ने इस डील को तोड़ा, तब भारत ने रशिया की कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया था। गेल ने यही सोचा कि बातचीत करके किसी तरीके से इस मामले को निपटाया जाएगा, लेकिन रशियन कंपनी गैजप्रोम की तरफ से इस और किसी भी तरीके की सीरियसनेस नहीं देखी गई। साथ ही गेल को भी एलएनजी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस वजह से अब हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि भारत रशिया की कंपनी गैजप्रोम के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर गेल को रशिया की गैजप्रोम कंपनी की वजह से कौन कौन से भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ किस तरह की लीगल एक्शन भारत की कंपनी गेल लिमिटेड गैजप्रोम के खिलाफ उठाने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड और साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम्स दोनों में ही ये खबरें छपी हुई है, जिसमें बताया गया है कि भारत गैजप्रोम के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है। और खबर सामने आ रही है कि गेल कंपनसेशन लेगा अपने नुकसान का, जो उन्हें गैजप्रोम की वजह से उठाना पड़ा। हालांकि अभी तक इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली कितना हर्जाना गेल गैजप्रोम से लेने वाली है, लेकिन इसके खिलाफ लंदन में याचिका दर्ज करा दी गई है, और इसी के साथ साथ भारत ने इस केस के लिए आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर लिया है। हालांकि गैजप्रोम ने अभी तक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया है। साफ नजर आ रहा है कि भारत इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, और बड़े से बड़ा कदम अपने इस नुकसान के हर्जाने को पूरा करने के लिए उठाने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर गेल इंडिया लिमिटेड को रशिया के इस धोखे की वजह से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जब मार्च एंड में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पूरा का पूरा ब्यौरा देखा, तब उन्हें पता चला कि उनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 77.5% की गिरावट आई है। आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूटर के क्वार्टरली प्रॉफिट में 77.5% का स्लंप आया है, जिसकी बड़ी वजह गैजप्रोम की तरफ से एलएनजी सप्लाई का टाइम पर ना मिलना है। इसके बाद भारत को एक और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, और ये था कि भारत ऑलरेडी रशिया की कंपनी को इस एलएनजी डील के सप्लाई के लिए पैसे भिजवा चुका था। बावजूद इसके गेल दोबारा 3 गुना ज्यादा दाम इस एलएनजी को दूसरे देशों से खरीदने पर लगाना पड़ा, इसीलिए गेल इंडिया लिमिटेड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तीसरा नुकसान था गैस की सप्लाई में कटौती करना। गेल इंडिया लिमिटेड 3 गुना ज्यादा पैसे देकर दूसरे देशों से एलएनजी को परचेज तो कर लिया था, लेकिन फिर भी गैस की आपूर्ति तुरंत ही उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए गेल को पाटा पेट्रोकेमिकल प्लांट जो उत्तर प्रदेश में है, और साथ ही साथ दूसरे पावर प्लांट में भी फर्टिलाइजर और एलएनजी के सप्लाई को 40% तक कट डाउन करना पड़ा था। इतना भारी नुकसान गेल इंडिया लिमिटेड को हुआ था, लेकिन फिर भी गेल के डायरेक्टर ने उस वक्त ये कहा था कि हम किसी भी तरीके से लीगल एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि गैजप्रोम इस मुद्दे को खुद से जल्द सुलझाएगा और इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता भी निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी गैजप्रोम की तरफ से देखने को नहीं मिला। इसीलिए हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप कुमार गुप्ता ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी कि गैजप्रोम कंपनी का कहना है कि फोर्स मेजर की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन संदीप गुप्ता इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि वे हमें एलएनजी सप्लाई करेंगे, तो वह उनकी जिम्मेदारी थी। अगर उनके पास एलएनजी गैस खत्म हो गई थी तो वह किसी और जगह से इस एलएनजी सप्लाई को लेते और हमारी जरूरत को पूरा करते, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जो उन्होंने नहीं निभाई। अब एक अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अचानक से बीच में इस डील को क्यों तोड़ दिया गया। तो आपको बता दें कि जो गैजप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर GMTS कंपनी है, उसकी एक यूनिट गैजप्रोम जर्मनिया के पास है, लेकिन पिछले साल फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मॉस्को के ऊपर कई सारे सैंक्शन लागू कर दिए गए, जिस वजह से तुरंत ही गैजप्रोम जर्मनिया ने अपने GMTS के ऊपर जो ऑनरशिप थी उसको छोड़ दिया और वो इस कंपनी से साइडलाइन हो गए, जिस वजह से अब इसकी सप्लाई भारत के लिए लगभग नामुमकिन हो गई है। लेकिन अब इस कंपनी की पर्सनल प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और भारत पूरी तरीके से एलएनजी सप्लाई को लेकर उनके ऊपर निर्भर था और पेमेंट भी कर चुका था, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि भारत की जरूरत को पूरा करे, जिस वजह से अब भारत उनके ऊपर अब लीगल एक्शन लेने के लिए मजबूर हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारतीय कंपनी ने जो रशिया की कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिया है, ये भारत का फैसला सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।